आज हम आपको उड़द की दाल की स्टफ्ड कचौड़ी बता रहे हैं। आपकी अपनी रीना रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसके लिए हमने दाल को रात में भिगो दिया था और सवेरे पानी हटाकर इसका ये देखिए थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट हमने बना लिया है। इस तरह से बनाना है, बिल्कुल महीन मत करिए क्योंकि हम कचौड़ी बना रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल महीन हमको नहीं चाहिए। इस तरह से दरदरा पेस्ट चाहिए। और इसको डो बनाने के लिए हमने 1 कप आटा लिया है, 1/2 कप हमने मैदा लिया है और 1/4 कप हमने सूजी ली है। ये इसका रेशियो है। और इसको और चटपटा बनाने के लिए हमने ये सूखे लाल मिर्चे लिए हैं, चाट मसाला लिया है, जीरा लिया है, थोड़ी सी अजवाइन ली है, धनिया लिए और 1/2 चम्मच सोल्ट पाउडर लिया है। आपके पास अगर जिंजर है तो आप उसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। 1 चम्मच जीरा लिया है, 4-6 हमने काली मिर्च ली है और 1/2 चम्मच हम हरी सौंफ लेंगे और थोड़ा सा हमने लाल मिर्चा लिया है, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी ली है और हींग लेंगे। उड़द दाल की कचौड़ी है इसलिए हींग इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हींग होती है। और ऑयल लिया है। अब हम सबसे पहले आपको कचौड़ी का जो एक सूखा मसाला घर में हम बनाते हैं वो बनाना दिखाएंगे। अब हमने एक मिक्सी का जार लिया है, जार में हम ये जो धनिया लिया है, आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, हम इसको जब अभी ऑयल डालेंगे उसमें इसको भूनेंगे। धनिया को हमने ले लिया, ये कचौड़ी का मसाला है, इसको आप ज़्यादा भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। 2 सूखे लाल मिर्चे हैं, आपको जितनी चटपटी तीखी कचौड़ी खानी है आप मिर्चा आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच हमने इसमें जीरा डाला है, 1/2 चम्मच हम इसमें सौंफ डालेंगे और थोड़े से काली मिर्च के दाने हैं। आप इसको अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसको हम बंद करके एक बढ़िया सा पाउडर बनाएंगे। कचौड़ी का मसाला हमारा पिसकर तैयार हो गया है। इसको ये देखिए इतना दरदरा बनाना है, इस तरह से बिल्कुल महीन पाउडर की तरह मत करिएगा। इसके धनिया के 2-2 चरचे टुकड़े हो जाएं, इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम चलते हैं पहले दाल को भूनने, स्टफिंग बनाते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए हमने एक पैन चढ़ाया है, इसमें हम पहले स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ऑयल जब हमारा खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अन्य इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले जो हमने ये कचौड़ी का मसाला बनाया है इसको डालेंगे। आँच को धीमा कर दीजिए जिससे मसाले जले नहीं, इस मसाले को डालेंगे। आप इस मसाले को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। और इसमें हम 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसमें अब हम चाट मसाला डालेंगे। आंच को धीमा रखिएगा। सोंठ पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पिसा लाल मिर्चा, जरा सी हल्दी हमने पिंच भर ली है, बहुत ज़्यादा हल्दी हल्दी का इसमें नहीं प्रयोग करना है। और नमक, नमक टेस्ट के अनुसार, अभी हमको डो में भी नमक डालना है इसलिए हम थोड़ा सा नमक केवल स्टफिंग के भर का नमक डालेंगे। अब इसको हम कुछ सेकंड के लिए मसाले को भूनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला, हमने इसको बस कुछ सेकंड के लिए भूना था क्योंकि सब चीज़ महीन है। अब इसमें जो हम अपनी पिसी हुई दाल है ये डाल देंगे और इसको हम 1 मिनट और भूनेंगे, पूरा हमको ड्राई नहीं करेंगे दाल को। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये बिल्कुल कचौड़ी जो है बाजार स्टाइल कचौड़ी हम आज आपको बनाकर दिखा रहे हैं, जो हलवाई लोग बनाते हैं इसी तरह से हलवाई लोग बनाते हैं। ये देखिए कचौड़ी की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको और बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए हम थोड़ी सी धनिया को, आप धनिया को काटकर डालेंगे। आप धनिया को कैंची से काटिए तो बहुत आसानी से, और जितनी महीन चाहिए आप उतनी महीन कट सकती है।
आप लोग हमेशा चाकू से काटते होंगे, आप कभी भी धनिया को अपने जो किचन के लिए एक हम लोग कैंची रखते हैं उससे काट कर देखिए, तो देखिए धनिया कितनी महीन और बढ़िया कटती है। ये देखिए हमारी कचौड़ी की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब जब तक ये ठंडी होगी तब तक हम आपको डो बनाकर दिखाते हैं। अब हम कचौड़ी के लिए डो बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। कचौड़ी है इसलिए हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। और इसमें ये हम थोड़ा सी अजवाइन है, थोड़ा सा जीरा है, इसको हाथ पर ऐसे क्रश करके डालेंगी तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हींग डालेंगे। हींग डालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उड़द की कचौड़ी है, इसलिए इसमें हींग बहुत जरूरी है। और 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, ये छोटा सा चम्मच है बस। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा ज्यादा कम कर सकते हैं। और इसमें हम फ्लेवर लाने के लिए थोड़ी सी धनिया काट कर डालेंगे। अब इन सब चीजों को हम मिलाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। हमारा कचौड़ी का डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको कुछ मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, जिससे हमारा जो इसमें हमने सूजी डाली है वो अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाएगी। अब इसको हम इस तरह से करके और इसको कवर करके हम रख लेंगे। 5 मिनट बाद हम कचौड़ी बनाना शुरू करेंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा डो में से थोड़ा सा आटा लेंगे और इनको हल्का सा आप इसमें डस्ट भी छिड़क सकते हैं, सूखा आटा। अब इनकी छोटी छोटी लोइयां हमने काट ली है, कितनी बड़ी है ये देखिए। अब इसको बनाने के लिए हम ऐसे दोनों हाथों से इस तरह से एक कटोरी नुमा बना लेंगे और इसमें हम 1-1 चम्मच स्टफिंग को फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिल करके अब हम चारों तरफ से इसको उठाकर अच्छी तरह से इस तरह कचौड़ी बनाने का, भरने का तरीका हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। हम बहुत तरह की कचौड़ी आपको बनाना बता चुके हैं। इस तरह से हम इसको करेंगे और रख देंगे। कचौड़ियों को हमने भरकर तैयार कर लिया है। अब हम ऑयल चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आज हम डस्ट से नहीं ऑयल से बेल कचौड़ियां हैं, इसमें ज्यादा डस्ट की जरूरत नहीं होती है। इसको हम आपको ऑयल से बाल कर भर कर बेल कर दिखाएंगे। देखिए ये कचौड़ी है इसलिए हल्के हाथ से बेलिएगा, बहुत इस पर प्रेशर मत दीजिएगा और थोड़ी सी मोटी रखिएगा। और देखिए हमने आपको ऑयल से बेल कर दिखाया है, इसमें परथन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए क्योंकि ये बाजार स्टाइल कचौड़ी हम बना रहे हैं, हलवाई स्टाइल, इसलिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कचौड़ी डालेंगे। आंच को धीमा रखिएगा, ये कचौड़ी है इसलिए बहुत तेज आंच पर इसको मत बनाइएगा। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। जब ऑयल अब आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आप आंच को थोड़ा धीमा कर दिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो आपकी भी कचौड़ी बहुत ही बढ़िया खस्ता स्टाइल बनकर तैयार होगी। ये देखिए आंच को हम मीडियम से भी थोड़ा सा कम रखे हैं। अब इसको हम कम से कम 25-30 सेकंड धीमी आंच पर इसको हम पलट पलट कर एकदम खस्ते की तरह बनाएंगे। ये देखिए खस्ता स्टाइल हमारी हलवाई जैसी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसको दही के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। फटाफट इसको बनाइए और खाइए। इसको आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। अगर पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।